शुक्रिया बाबा जी। और सपना जी, उम्मीद करते हैं कि बाबा जी की बात को ध्यान में रखते हुए अब आप परेशान नहीं रहेंगी। अगली कॉल लेने से पहले दाती जी महाराज अब उन लोगों के लिए प्रश्न पूछना चाहेंगे जो लोग परेशान हैं, जिनके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे या बच्चे खुद भी अब परेशान हो गए हैं, करियर सेट हो गए हैं लेकिन अब कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता, तो ऐसे में क्या करें, खास उपाय जानेंगे आपसे। माते, जिनको भी शादी में प्रॉब्लम हो उस जातक को सिद्ध कुंजी का स्त्रोत को अपने जीवन का हिस्सा बना। शादी हो गई है और शादी में प्रॉब्लम तो ये उपाय करें, और शादी नहीं हो रही है तब भी सिद्ध कुंजी का स्त्रोत, दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का 7 पाठ सुबह 7 पाठ रोज करने से बहुत लाभ मिलता है। देवादिदेव शनिदेव को मनाने से भी प्रभु की कृपा दी। गुरुवार को ये उपाय प्रारंभ करें जो बताने जा रहा हूं, और लगातार 43 गुरुवार का है। गुरुवार को नहा धोने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़े, घर की पूजा में घी और तेल का देवे, ओम शम धरणी धाराय नमः, इस मंत्र की 7 माला जाप करें। सिंदूर तिल तेल उड़द का दान किसी मंदिर में करें। विवाह संबंधी संपूर्ण परेशान का निवारण, जगह गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 7 दाने डालने से भी शादी संबंधी परेशान का निवारण होता है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। और हम सुधीर जी की कॉल लेना चाहेंगे, हमारे साथ हरियाणा करनाल से जुड़े हैं। आपकी कॉल लेने से पहले सुधीर जी, हम अपने दर्शकों को याद करवा दें, जैसा कि अभी अभी दाती जी महाराज ने कहा था, बहुत ही जल्द दाती जी महाराज हरियाणा में पहुंचने वाले हैं। आप उनके पधारने पर उनका स्वागत कर सकते हैं, रोहतक में आएंगे वो, पूरी जानकारी ले सकते हैं। दाती जी महाराज हरियाणा में रोहतक में कब, कहां और कैसे मिलेंगे, आप इसके लिए जो नीचे नंबर स्क्रोल्स पर है आप उन पर डायल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं यदि आप उनके मिलकर दर्शन करना चाहते हैं। सुधीर जी नमो नारायण। नमो नारायण जी, जेठो भट बता दें आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/7/77, 4:22 शाम के, अंबाला का बर्थ है। आप एक बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा रिपीट कर दें सुधीर जी। 19/7/77, 4th of February 1977। 19 फरवरी जी, 19 फरवरी, 19 फरवरी। आप प्रश्न करें। 4:22 अंबाला, वो लिख लिया हमने, 4:22 दोपहर के हैं अंबाला का जन्म। हाँ जी, प्रश्न मेरा ये जी, मैं काम करना चाहता हूँ शूज का, क्या ये ठीक रहेगा मेरे लिए? बाबा जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी 1977, 4:22 दोपहर का जन्म है, अंबाला का जन्म है। ये शूज का, जूतों का करना चाहते हैं कार्य, क्या इनके लिए उपयुक्त रहेगा? लाइन बहुत अच्छी है, और 2014 17 अप्रैल के बाद शुरू कर लेना, अच्छा लाभ मिलेगा। बस पारिवारिक रिश्तों की कदर करना, परिवार को साथ लेके चलना, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना और लोगों पर अंधविश्वास नहीं करना। धुन धुन अपनी धुन, पराई धुन में पाप, अपने काम से काम मतलब ना, और भगवान सूर्य और चंद्र की उपासना साथ में शुरू रखना, इस व्यवसाय में आपको लाभ मिल जाएगा। ओम चंद्र मौलेश्वराय नमो, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना, और ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमो, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल चढ़ा देना। ये 2 काम जीवन का हिस्सा बना दो, और 2014 17 अप्रैल के बाद ये कार्य शुरू कर देना, बहुत लाभ मिलेगा। नमो नारायण। बाबा जी, कुछ लोग ना बेवजह ही अंधविश्वासों में घिरे रहते हैं, वो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ऐसे लोग जो डरे रहते हैं, भ्रमों में रहते हैं, अंधविश्वास का शिकार रहते हैं, आज उन लोगों की समस्या का समाधान आपसे जरूर लेना चाहेंगे। यदि बिना वजह आपको भय रहता है, भ्रांति रहती है, भ्रम रहता है कि मेरे को उसने कुछ करवा दिया, मेरा ये हो गया, मेरी ननंदे करा दे, मेरी देराने करा, मेरी, आजकल लोग इस नाम से व्यवसाय बहुत गए कि ऐसा है, तेरी सास ने कुछ करवाया, तेरी भाभी ने कुछ कराया, तेरी ननंद ने कुछ करा। भाई कोई कुछ नहीं कराता, मनुष्य जो कुछ भी करता है अपने कर्मों का भोगता है। यदि व्यर्थ में भय भ्रांति और भ्रम रहता है तो सोमवार के दिन उपाय प्रारंभ करें, लगातार 43 सोमवार करें। सोमवार को स्नान उपरांत नित्य कर्म से निर्धो अपने घर की पूजा स्थल में 4 मुखा घी और तेल का देवे, ओम शम अमंगल नाशाय नमः, ऐसा मंत्र है जो तीर की तरह लगता है। ओम शम अमंगल नाशाय नमः की 3 माला 5 माला 11 माला श्रद्धानुसार जाप, जाप के उपरांत जितना जाप हुआ उतना उसके दशांश हवन करे, हवन कमल के पुष्प और गुगल से करे, और मंगलवार दिन अपने वजन के बराबर या श्रद्धानुसार साबुत मशहूर कुछ रोगियों को या निर्धन व्यक्ति को दान में दीजिए, मन में स्थिरता आएगी, भ्रम भ्रांति और भय दूर हो जाएगा, जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। हम अगली कॉल लेना चाहेंगे, सुनील जी की अंबाला से हैं। नमो नारायण सुनील जी। नमो नारायण मैम, नमो नारायण, आपने जो ये प्रोग्राम इतना बढ़िया किया हुआ है जी। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं सुनील जी हम आपको? हाँ जी, आपका जो ये प्रोग्राम और आपका वे जो बातें बताने का है ना, आपकी पर्सनैलिटी भी और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और मैं लगातार ये प्रोग्राम देखता हूँ, और आज बहुत दिनों के बाद मेरा नंबर मिला है। बड़ी मुश्किल आपका MH चैनल को बधाई,
आपको मैम बधाई, जितनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नेचर, वैसे ही आपके दादी जी महाराज है। तो नमो नारायण, मेरी दादाजी महाराज को भी मेरी नमस्कार जी। और जी। मेरा प्रश्न, मेरे पास जन्म पत्री कोई नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, तो इसी भटकाओ में मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का होगा क्या, आपके जीवन का क्या होना है। आप देखिए कितनी अच्छी कहते हैं कि शब्दों में तारीफ करना भी बहुत मुश्किल कार्य है, और आज के जमाने में ऐसे लोग बाबा जी मुझे लगता है बहुत कम मिलते हैं, और चापलूसी का जमाना आजकल ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो मक्खनबाजी करते हैं उनको कुछ ना कुछ जगह तो जरूर मिल जाती है। लेकिन सुनील जी, यहाँ पर आपको नहीं मैंने सुनाया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ की है कार्यक्रम की। ये कार्यक्रम हमारा नहीं, ये आपका है, आप लोगों का है, आप लोगों की समस्याएं उनका समाधान हो, आपकी जिंदगी में खुशियां आए। आपने हंसकर बात की, आपने अच्छी बात की। बाबा जी क्या कहेंगे आप सुनील जी से, अंबाला से कॉलर है सुनील। नमो नारायण, प्रणाम और मेरा खूब आशीर्वाद। देवाधिदेव शनिदेव आपकी रक्षा करें। मैं सुन रहा था जब आप बोल रहे थे, तो मैं खाली इतना ही कहना हूँ, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज नहीं पाया तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। यह अनमोल हीरा है, और जिंदगी में मनुष्य को, मैं हमेशा एक संदेश लेकर आया था कि मनुष्य को जो कुछ भी मिलता है निजगत कर्मों का अनुसार मिलता है। आपकी जिंदगी जिस वेवलेंथ से आप बात करें, आने वाला समय कहीं मुझे प्रतिकूलता से भरा नजर नहीं आ रहा। और फिर प्रतिकूलता है तो संत कहते हैं लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों में छा जाए उसे इंसान। मनुष्य का श्रृंगार है समस्याएं, समस्या से जूझना ही बहुत बड़ी बात है, और तभी आदमी निखर के। जन्म कुंडली नहीं है कोई बात नहीं, प्रश्न लगन ये कह रहा है कि आने वाला समय ठीक है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की दया से यदि समय निकाल कर आप किसी भी गुरुद्वारे या किसी शनि मंदिर में जाकर हर रोज मूर्ति का स्पर्श करके आते, या गुरुद्वारा में जाकर प्रभु के दर्शन करके आते, और घर आने के बाद सात मुट्ठी बाजरा पक्षियों को रोज डाल देते हैं, तो आपके आने वाला समय खुशियों से भरा रहेगा और प्रभु आप पे हमेशा मेहरबान रहेंगे। यदि आप हकी की माला या रुद्राक्ष की माला पर हर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो इस मंत्र का जाप करते और घर में तुलसी का पौधा लगाते थे, तो जीवन में और खुशियां मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण मेरे मित्र, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात कर। नमो नारायण। आप सभी जो दाती जी महाराज के चाहने वाले हैं, यदि आप उनके साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, हरियाणा में वो बहुत शीघ्र पधारने वाले हैं, आप उनके पधारने के ऊपर उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आगे जिंदगी को कैसे हम सुखपूर्वक जी सकते हैं, अपने पास्ट को भुलाकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके शहर में आ रहे हैं, आप अधिक जानकारी के लिए जो नंबर्स नीचे स्क्रोल पर है उन्हें नोट करना ना भूलें। आज के कार्यक्रम में हमने बहुत सारी समस्याओं से संबंधित बहुत खास उपाय लिए हैं दाती जी महाराज से, कहीं रह गए हैं समस्या आपकी अपनी थी, घबराइए नहीं। आप इस कार्यक्रम को रिपीट देख सकते हैं, आप फेसबुक पर बाबा जी से जुड़ सकते हैं, शनि शत्रु नहीं मित्र है, ये उनकी फेसबुक है, आप उस पर जाएं, आप उनकी वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं www.shanidham.in dati.com, आप हमारी भी जो है वेबसाइट्स पर जा सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पर आप जा सकते हैं, वहां डाल सकते हैं आप MH1 दाती ये कार्यक्रम का डाल सकते हैं, दाती जी महाराज MH1 डाल देंगे तब भी आपको यूट्यूब पर ये सारे कार्यक्रम नजर आ जाएंगे। और अपने आपके जो रिश्तेदार बाहर रहते हैं वो लाइव हमारा MH1 अब इंटरनेट के माध्यम से भी देख सकते हैं, इस समय वो नेट के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। लौटेंगे दाती जी महाराज के साथ इसी कार्यक्रम में, इस छोटे से ब्रेक के बाद।